मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं राजस्थान की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश गोखरा ने बुधवार को गहलोत सरकार से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर, राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने गहलोत सरकार के कामकाज से नाराज होकर इस्तीफा दिया है। अपने त्याग पत्र में गोखरा ने उनकी आवाज दबाए जाने की शिकायत की है। गोखरा ने आगे लिखा है कि वह अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी मंच पर उनकी बात तक नहीं सुनी जाती। गणेश गोखरा ने पत्र में लिखा है, खेद के साथ सूचित कर रहा हूं कि सत्ताधारी दल का विधायक हूं, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन पदों पर होने के बावजूद भी मेरी बातों को अनदेखा किया जा रहा है। शिकायती लहजे में गोखरा ने लिखा है कि स्थानीय प्रशासन में आसीन अधिकारी भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मेरे क्षेत्र की जनता की आवाज उठाने की कोशिश करने पर मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बता दूं, डूंगरपुर में एसडीएम को बंधक बनाने के मामले में कांग्रेस विधायक गणेश गोखरा पर दर्ज एफआईआर के बाद अब इस मामले ने तुल पकड़ लिया है। एफआईआर दर्ज होने से नाराज कांग्रेस विधायक ने विधायक पद से इस्तीफा देते हुए इस्तीफे का पत्र मुख्यमंत्री गहलोत सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं को भेजा है। गणेश गोखरा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और डूंगरपुर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़निया को भी अपना इस्तीफा भेजा है। बाकी मिलेंगे कल सुबह वाले वीडियो में राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।